तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर। तो आज मैं बना गोभी दाल। आपने दाल तो बहुत प्रकार के खाए होंगे, तो आज गोभी दाल बनाते हैं और दिखाते हैं कैसे बनता है। तो चलते हैं, उसका रेसिपी बताते हैं आपको। आज मैं बनाने वाला गोभी दाल, तो सबसे पहले गोभी कट कर लिया, प्याज कट कर लिया, हरी मिर्च है। तो ये हुआ मसूर दाल, इसको हम लोग अच्छे से धो लेते हैं, उसके बाद आगे का स्टेप बताते हैं। तो हमने मसूर दाल को धो के रख लिया। मसाला ये धनिया पाउडर, गोलकी पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, और इसके साथ हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिए। तो अब बनाते हैं इस दाल। तो हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अभी से हम दाल के लिए गोभी को पहले फ्राई करते हैं। तो देख सकते हैं, गोभी हमने फ्राई कर लिया है, अभी से हम लोग निकाल लेते हैं। तो तेल में अब हम लोग जीरा डालेंगे, तो जीरा डाल दिया। अब चरपत्ता डालेंगे और सूखी लाल मिर्च डालेंगे, और उसके बाद इसे थोड़ा सा पकाएंगे। तो इसमें प्याज डालते हैं, तो प्याज और हरी मिर्च डालते हैं साथ में, इसे हम लोग अच्छे से गलाएंगे। तो हमारा प्याज लाल हो चुका है, अब इसमें हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो देख सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अदरक लहसुन जा गया है, अब इसमें हम लोग मसाला डालते हैं। तो ये सारा मसाला हम लोग इसमें डाल देते हैं, ऐसे डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा मसाला भुन जा गया, अब इसमें हम लोग जो दाल भिगा के रखे हुए थे, अब दाल डालते हैं इसमें। तो हम लोग दाल को अच्छे से डालकर इसको मिक्स कर लेते हैं। तो दाल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ऐसे 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर। हाँ, दाल भुन जा चुका है, अब इसमें हम लोग गोभी डालते हैं, और गोभी को भी डाल भुन लेते हैं अच्छे से, और इसके साथ नमक भी डाल देते हैं। अपना स्वाद अनुसार नमक डाल दें और इसे अच्छे से भून लेते हैं। हमारा गोभी दाल सब भुन जा गया, अब इसमें हम लोग टमाटर डालते हैं, और टमाटर को भी डाल के 5 मिनट तक इसे अच्छे से भूंजेंगे। हमारा गोभी दाल सब भुन जा गया अच्छे से, देख सकते हैं। अब इसे हम लोग कुकर में डालेंगे, कुकर में डालेंगे ना, दाल भी अच्छा से गल जाएगा और गोभी भी अच्छा से गल जाएगा। इसे हम लोग कुकर में निकाल लेते हैं। तो हमने कुकर में शिफ्ट कर लिया है सारा चीज़ को। अब इसे हम लोग गर्म पानी डालेंगे, गर्म पानी डाल के, और देख सकते हैं अपने क्वांटिटी के हिसाब से गर्म पानी डाल लें, और इसे मिक्स कर लें अच्छे से। तो हमने पानी डाल लिया, शिफ्ट कर लिया सारा चीज़ को इसमें। अब इसमें हम लोग ढक्कन लगाकर 2 सीटी लगाएंगे इसमें, 2 सीटी के बाद हमारा अच्छे से गल जाएगा। तो उसके बाद दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। तो कुकर में बैठा दिए हैं सारा दाल को, अब इसमें हम लोग 2 सीटी लगाते हैं। तो हमारा 2 सीटी हो गया, अब कुकर को हम लोग खोलते हैं और चेक करते हैं हमारा, आप देख सकते हैं अच्छे से गल गया है और सारा कुछ हो गया। अब इसमें हम लोग लास्ट में धनिया पत्ता डालेंगे, तो देख सकते हैं धनिया पत्ता डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं, और देख सकते हैं कलर भी कितना प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इसे ना हम लोग टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना हुआ है दाल। तो ये रहा हमारा गोभी दाल, ये गोभी है, ये चावल हो गया, ये सब्जी हो गया है। तो टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना हुआ है। तो अब मेरा गोभी दाल बन चुका है, अब खा के बताते हैं टेस्ट इसका कैसा बना हुआ है। तो ये चावल में हम थोड़ा डाल लेते हैं, और ये देख सकते हैं गोभी है, तो गोभी को भी मिक्स कर लेते हैं हम लोग, और खा के बताते हैं कैसा बना हुआ है। बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, आप एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत अच्छा लग रहा है, इजी भी है, मेहनत भी नहीं है। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।